मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में हम प्रदीप फंडामेंटल बुक के 3B वाले चैप्टर के आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 12, तो पढ़ते हैं बस देखते हैं क्या है। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल, 3 पार्टिकल है ये। After being accelerated through the same potential difference, important है कि potential difference कैसा है तीनों का, same। Enter a region of uniform magnetic field B, एक uniform magnetic field में enter करते हैं, in a direction perpendicular to B। तो ये देखो ये word भी important है कि जो आपके particle enter करते हैं उसके motion की direction magnetic field के कैसी है, perpendicular है। तो यहाँ लिख लेते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। जब ऐसा होता है तो पाथ जो चार्ज पार्टिकल का होता है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल वो होता है सर्क्यूलर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, इन सभी तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन सर्कुलर पाथ, तो पाथ पार्टिकल का सर्कुलर होगा, तीनों पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। ठीक है, तो सर्कुलर रेडियस दे रखी है प्रोटॉन की, तो उसे भी लिख लेते हैं। एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस जब प्रोटॉन सर्कुलर पाथ घूमता है, सर्कुलर पाथ की रेडियस प्रोटॉन के लिए कितनी है, 7 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो आपको थोड़ी सी टेबल के बारे में बता दूं जो मैंने कूलॉम्स लॉ में बताई थी। जैसे यहाँ पे हम पार्टिकल लिख लें, यहाँ पे हम चार्ज लिख लें और यहाँ पे हम मास। जैसे पहला पार्टिकल है आपका प्रोटॉन, इसका सिंबल होता है 1H1। तो इसमें जो चार्ज है देखो यहाँ 1 है इसीलिए प्लस के भी, ये 1 है यहाँ पे, तो मास ऑफ प्रोटॉन Mp। ठीक है, e की वैल्यू ऐसे हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ और 1.67 × 10⁻²⁷ kg। दूसरा पार्टिकल इसमें दिया है हमें न्यूट्रॉन, इसका सिंबल होता है 1H2। तो देखो ये सब एटम की फॉर्म में दिख रहे हैं आपके, ये 1 है तो इस पर भी चार्ज प्लस के ई है, यहाँ पे 1 तो ये प्लस के, यहाँ पे भी 1 तो प्लस का ई है, यहाँ 2 है यहाँ पे 1 था तो Mp, यहाँ पे 2 है तो इस न्यूट्रॉन पार्टिकल का जो मास होगा वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास का 2 टाइम्स। जैसे अल्फा पार्टिकल लिखे, अल्फा पार्टिकल 2He4, ये देखो ये 2 है इस पर चार्ज प्लस के 2E, यहाँ 4 है तो इस पर मास, इस अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि किस पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, किस पार्टिकल पर कितना मास होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है सभी पार्टिकल के, सेम After being accelerated through the same potential difference। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है ना? तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम इसी रखा कि क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम सभी पार्टिकल के लिए, सभी पार्टिकल को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबका। सर ये फॉर्मूला कौन सा है, तो मैंने आपको बताया है ना, काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिखते थे ई के, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल हम ई के, मैंने इसमें के बना दिया है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी का, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पुट करो, यहां रेशियो पूछना है तो तीनों का रेशियो निकाल लें, प्रोटॉन का चार्ज प्लस का ई तो प्लस का ई वी रेशियो, न्यूट्रॉन का चार्ज प्लस का ई
ईवी रेशियो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है प्लस के टू ई, ईवी का डिवाइड कर दो सम में तो वन रेशियो टू ये निकल गया, ए रेशियो निकल गया। समझा ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो जल्दी देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन सर्कुलर पाथ इज 7 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो पाथ पार्टिकल का कैसा होता है, चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर होता है, और उसकी रेडियस का फार्मूला हमने देखो ये पढ़ा था एम बी बटे क्यू बी, मैंने एक ये बताया था, एक ये भी तो बताया था, इसी को आगे सॉल्व करने पर यह आता है टू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये रूट केवल ऊपर वाले का होता है। और देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो रूट के अंदर टू मास चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको कन्वर्ट करके दिखाया है, पीछे वाले लेक्चर नंबर 18 में भी समझाया था ये कैसे किया था, अब तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आप देखो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, रेडियस के बारे में पूछ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानकारी नहीं है, ये तो निकाल लिए रेशियो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानकारी ना होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सभी चार्ज पार्टिकल के लिए कैसा है सेम, तो हमें ये लगाना चाहिए। दैट मीन्स हमें सीधा आपका फॉर्मूला ये डायरेक्टली लगा देना चाहिए कि R इज इक्वल टू रूट के अंदर 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक एक करके कर लें, पहले प्रोटॉन के लिए कर लें क्योंकि क्वेश्चन प्रोटॉन के में है, तो R प्रोटॉन के लिए लिखे हैं, तो सब कुछ प्रोटॉन के लिए, टू मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है सभी पार्टिकल के लिए, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है दैट मीन सभी पार्टिकल के लिए सेम है, ये प्रोटॉन के लिए लिख दिया। अब किसके लिए पूछ रहा है, पहले न्यूट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो एंड ये तो फॉर प्रोटॉन के लिए लिख दिया मैंने, यहां लिख दो फॉर प्रोटॉन, ऐसे ही लिख दो फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए लिखो आर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रूट के अंदर यहां लिखो टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन टू टाइम्स ऑफ एमपी होता है, तो इस मास ऑफ प्रोटॉन इसकी जगह पे टू टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल का मास हो गया, न्यूट्रॉन का जो मास होता है एम बी वो टू टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है ना, चार्ज कितना है न्यूट्रॉन पर प्लस का ई, ये तो ई ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ये तो बी ओवर चार्ज तो सेम है ई और मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, तो देखो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो इसी का तो डिफरेंस है टू का, देखो 2 MPeV बटे EV, तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई रूट 2 रूट के अंदर है ना ये पूरा, तो इस वाले 2 को मैंने रूट 2 अलग कर दिया है और बाकी का रूट के अंदर 2 MPeV बटे EV ऐसे, तो दिक्कत ठीक है। और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे प्रोटॉन की रेडियस आरपी, देखो ये किसके बराबर है पूरा प्रोटॉन की रेडियस के बराबर, सो हम यहां लिख दें आर डी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ प्रोटॉन की रेडियस, इसकी जगह पर प्रोटॉन की रेडियस लिख दो, और प्रोटॉन की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर तो 7√2 सेंटीमीटर ये न्यूट्रॉन की रेडियस निकाल आए। ऐसे आप अल्फा पार्टिकल की रेडियस निकाल सकते हो, तो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ सॉल्व, ठीक है। देखो अब यहां कर दो फॉर अल्फा पार्टिकल करोगे तो आर अल्फा इज इक्वल टू यहां पर करो तो रूट के अंदर ये तो फॉर्मूले का टू, ये वाला फॉर्मूले में है टू पहले से, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख रहे हो, सारी चीजें अल्फा पार्टिकल की, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 times of mp तो 4 times of proton का मास, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 2e तो इनटू 2e, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था v ओवर 2e चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2e और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था। अब डिफरेंस देखो प्रोटॉन के साथ ही देखो, ये चीज चाहिए हमें बाकी का सब उठा लो, तो देखो एक तो इसको और इसको हम बाहर निकाल लें,
इसको इसको अलग कर लें बिल्कुल। तो देखो फोर का स्क्वायर रूट लगे निकालेंगे तो कितना आएगा टू, और ये इसका स्क्वायर रूट है ये पूरे में, तो वो ऐसे भी ऐसे रहेगा रूट टू। भाई फोर का स्क्वायर तो टू हो गया, रूट स्क्वायर रूट कितना हो गया टू, और ये रूट टू के अंदर है ये, बाकी का सेम टू सेम लिख दिया टू एम पी, ये वाला टू लिखा ये वाला, और ई और पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टू ई वी, इस टू से ये टू काट दिया। तो इस टू से टू काट दोगे तो देखो ये वाला किसके बराबर है, ये वाला ये प्रोटॉन की रेडियस के बराबर है, ई बी नीचे है ई बी, तो ई बी तो बचा नीचे टू से टू कटने के बाद, तो ये भी आ गया रूट टू आर पी। और प्रोटॉन की रेडियस दे रखी उसने 7 सेंटीमीटर, इसीलिए इसकी भी रेडियस कितनी आ गई 7√2 सेंटीमीटर। ये भी अल्फा पार्टिकल की रेडियस भी 7√2 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन तो ये एक लाइन का है, फिर भी थोड़ा सा समझाते हैं। अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनडिफ्लेक्टेड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी थ्रू रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू द डायरेक्शन ऑफ बीम, मतलब तीनों परपेंडिकुलर है, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और प्रोटॉन इस में से जब पास होता है किसमें से, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, तो कैसा रहता है, अनडिफ्लेक्टेड रहता है। कुछ याद आ रहा है इस टॉपिक को पढ़ के, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो यहाँ ये भी गिवन है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 किलो है, किलो में कितने होते हैं 1000 वोल्ट, किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट, तो वोल्ट पर मीटर। एंड द मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 50 मिली टेस्ला, स्मॉल एम है ना, इस मिली टेस्ला, इसे चेंज करें तो 50 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, फिर क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बीम। तो जब याद करो कि जब ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन, और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहता है, तो इसकी जो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो ये होता है v बराबर e into v, e upon v, बस यहां पुट करिए v निकाल लीजिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो कौन सा आर्टिकल है वो थोड़ा सा समझाता हूं। ये आर्टिकल ये वाला है कि हमने ऐसे बताया था कि ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, z एक्सिस आपकी तरफ है बाहर है, ऐसे बाहर पॉजिटिव z एक्सिस ऐसे है और नेगेटिव z एक्सिस अंदर, पर बना ऐसे देते हैं हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, बना ऐसे रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ ऐसे है, ठीक है, और नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि एक ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये वी वेलोसिटी से सपोज कर लो एलोंग एक्सिस चल रहा है, पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है हमने अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने अलोंग वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन मैंने याद कराया था कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिससे ये जो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है वो अपने पाथ से अनडिफ्लेक्टेड रहे, डिफ्लेक्ट ना हो, सीधा चला जाए, कितना मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का हो और क्या डायरेक्शन रखें मैग्नेटिक फील्ड की जिससे ये प्रोटॉन सीधा चला जाए, ये क्वेश्चन था। तो ये केस था जब तीनों कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो यहां पे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, जिसका फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई।
मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या पार्टिकल ये जो है सीधे चला जाएगा अलोंग एक्सिस? नहीं, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया उसने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, तो ये पार्टिकल अपने पास से कुछ ऐसे मुड़ जाएगा पैराबोलिक पाथ पर, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। इट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया है, ठीक है आगे। लेकिन हम चाहते क्या है कि ये पार्टिकल सीधे चले, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये किधर की तरफ मुड़ गया ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन में ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां अप्लाई कर देंगे तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब भी मैग्नेटिक उस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन हम किसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये बताओ हम क्या चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या चाहता है कि पार्टिकल कैसा रहे, अनडिफ्लेक्टेड रहे। तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कैसे रहेगा, ये तो ये पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पर फोर्स लगा और इधर की तरफ मुड़ेगा, तो इसके डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है, ये फोर्स। अगर इस फोर्स को हम मार दें तो ये पार्टिकल सीधे चला जाएगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हुआ ड्यू टू दिस फोर्स। सर इसको मार दें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम एक और फोर्स लगा दें इस पार्टिकल पर, और वो फोर्स हम इस तरीके से लगाएं कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर दे। कैंसिल कब कर पाएगा, जब एक मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से लगे, तो यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाने वाले हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो इस तरह से लगाए कि इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो ऐसे, और कैंसिल कर दिया तो ये पार्टिकल कैसे आ जाएगा, बिल्कुल सीधा। अब ये बताओ फोर्स लगा दिया फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये वेलोसिटी की, ये फोर्स की, तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम है, हमें फोर्स की डायरेक्शन मालूम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाहिए अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ऐसे ना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो आप चेक कर लो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस, वेलोसिटी ऐसे है ना, ये क्या हो गया अभी कैसे चेक किया था, ये वेलोसिटी, ये फोर्स हमने गलत कर दिया, ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये फोर्स की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है, सॉरी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस में, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन नीचे, तो नीचे चाहिए ना, समझ में आया। और एफ ई एंड एफ एम आर इक्वल इन मैग्नेट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये ऐसा होगा तो पार्टिकल कैसा रहेगा, बीम कैसा रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, ठीक है, और अनडिफ्लेक्टेड रहेगा तो एफ ई और एफ एम बराबर हो और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, तो एफ ई की वैल्यू तो क्यू हुई और इसकी वैल्यू लिखे हैं तो क्यू वी बी साइन 90, यहां थीटा किसके बीच में लिखते हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, एक्स और जेड परपेंडिकुलर इसलिए 90 डिग्री। और यहां पर भी बोला है यार ये बात सेंटेंस बोला है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्यू से क्यू कट गया तो वेलोसिटी कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड बटे वी, और पार्टिकल कैसे ला जाएगा सीधा, क्योंकि एक दूसरे ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पार्टिकल सीधे चला जाएगा, कितना बस वैल्यू पुट कर दो यार, ई की वैल्यू कितनी 100 × 1000 और ये 50 × 10⁻¹, ये दो बार कट गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के सेक्स हो जाएगा, इतनी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तो ये अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, ठीक है भाई समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर एंटर एट द कॉर्नर ए, देखो डायग्राम गिवन है, ये कॉर्नर ए से कितनी करंट एंटर कर रही है आई, उसकी वैल्यू रखी है 4 एम्पियर। कॉर्नर ए, तो ए कॉर्नर से एंटर करी, और स्क्वायर ऑफ फ्रेम, एक वायर फ्रेम जो होता है एक वायर है ये,
वायर का एक फ्रेम बना लिया है, वायर बीच में से खाली है, वायर है ठीक है, साइड 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, लीव एट द अपोजिट कॉर्नर से यहां से कंटेंट लीव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है पॉइंट टू, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वैल्यू गिवन है 0.20 टेस्ला, और इसकी डायरेक्शन दिखाई दे रहा है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखा रहा है, बाहर की तरफ दिखा रहा है ठीक है, डॉट का मतलब प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। फिर कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फोर आर्म्स, आर्म से पूछ रहा है पूरे फ्रेम पे नहीं पूछ रहा, आर्म पर पूछ रहा है एक एक आर्म, जैसे एवीआर पर कितना फोर्स लगेगा, बीसी पे कितना लगेगा, एडी पे कितना लगेगा, डीसी पे कितना लगेगा, फोर आर्म ऑफ द फ्रेम ठीक है। चलिए अब एक बात कहिए, एडीबी और बीसी की लंबाई 10 और 20 सेंटीमीटर हुई पूरी, इस पूरे वायर की यहां से यहां तक लंबाई 20 सेंटीमीटर, ऐसी इस वायरी वायर की यहां से यहां तक की लंबाई 10 और 10 20, 10 इसकी 10 इसकी 20, ऐसी इस वाले की 20, तो फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल ओवर ए। तो यहां पे हमारे पास दो आर्म है, एक आर्म है हमारी मान लो ब्रांच कह सकते हो या आर्म नहीं ब्रांच कहो, एक ब्रांच है हमारे पास ए बी सी ए वाली पूरी, और एक दूसरी ब्रांच है हमारी ए डी सी, क्या इन दोनों ब्रांचों के रेजिस्टेंस सेम है, तो हम कहेंगे सेम, क्यों, क्योंकि ए बी सी की लंबाई और ए डी सी की लंबाई लंबाई सेम, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम और रेजिस्टिविटी भी सेम। क्वेश्चन में जानकारी तो नहीं है लेकिन जो वायर फ्रेम बनाया है वायर का वो एक ही वायर का फ्रेम बनाया है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो लंबाई से डिसाइड करेंगे यहां, तो लंबाई सेम है ए डी सी ब्रांच का और ए बी सी ब्रांच का लंबाई सेम, दैट मीन्स रेजिस्टेंस सेम, तो इन दोनों ब्रांचों के रेजिस्टेंस सेम, और रेजिस्टेंस सेम तो करंट यहां आके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसमें करंट और यहां, देखो यहां आके करंट डिवाइड हुई तो दो इक्वल पार्ट में करंट जाएंगे, तो 4 एम्पियर का आधा इसमें चला जाएगा 2 एम्पियर आई वन मान लेते हैं, और आधा इसमें चला जाएगा आई टू, 4 एम्पियर का आधा 2 एम्पियर, दो इक्वल पार्ट में कंटे रहे तो इसमें कितनी जा रही है आपकी आई वन 2 एम्पियर, इसमें भी कितनी, देखो ये आई टू जा रही है ऐसे, ये आई टू 2 एम्पियर, दोनों यहां आके मीट करके फिर दोबारा से कितना बना लेंगे 4 एम्पियर, वो समझ में आया, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब एक ही करके वायर का फोर्स निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हमने पढ़ाया है पीछे, तो फॉर आर्म कौन से पे निकाल लेते हैं, ए बी पे निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग आर्म ए बी एफ ए बी इज इक्वल टू करंट आई, आर आई ए बी में फ्लो करने वाली करंट कितनी है आई वन, ए बी पर फोर्स लगा रहे हैं, ए बी वाले आर पर कितना फोर्स लगेगा, तो जिस पर फोर्स निकालते हैं उसी में फ्लो करने वाली करंट, और ये करंट कैरिंग वायर किस में किस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो बी बी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, इसकी लंबाई कितनी है, तो मान लो इसकी लंबाई स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो सभी लंबाई 10 सेंटीमीटर ही होंगी, एंड कितना एंगल बना रहा है आई और बी के बीच में देख रहे थे, वैसे होता एल और बी के बीच में, आप आई और बी के बीच में, क्योंकि एल की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन सेम होती है, तो यहाँ आई की डायरेक्शन ये रही और मेडिकल की डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे, तो आई और बी की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री sin 90 डिग्री, अरे ये तो फॉर्मूला होता है आई बराबर आई बी एल साइन 90 थीटा, ये और थीटा एल और बी के बीच में एंगल होता है सर, एल और बी के बीच में, या फिर एल की डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होती है एल, एल की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन कैसे होती है सेम, तो आई और बी के बीच में एंगल कह सकते हो आप, फोटो कर दो, इसके लिए दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखी है 0.2, लंबाई रखी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें और साइन 90 डिग्री के ऊपर इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 × 10^-2, आप चाहो तो इसे पॉइंट कितना 0.4 लिख सकते हो,
इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन चाहिए इसकी, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा ले, मैग्नेटिक डायरेक्शन तो आपकी तरफ बाहर हो गई, करंट की डायरेक्शन से ऐड करें तो करंट डायरेक्शन ही हो गई, तो फेक फोर्स लग रहा है ऐसे, डाउनवर्ड लग रहा है ऐसे, नीचे तरफ लग रहा है। लेकिन जो इस फ्रेम का जो प्लेन है वो ये, वो ये वाला तो प्लेन है फ्रेम का, अरे फ्रेम का प्लेन यही जो बोर्ड का सरफेस है यही फ्रेम का प्लेन हो गया, प्लेन प्लेन ऑफ फ्रेम, उसके पैरेलल है, डाउनवर्ड है, बट प्लेन इस फ्रेम के जो प्लेन है उसके उस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो फोर्स की दर्शन दिखाई तो दिखा देना डायग्राम में, दिखा देना एफ ए बी, ये डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही आप फॉर एंड फॉर आर्म किस पे निकाल सकते हो, डीसी पे निकाल लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग आर्म डीसी, एफ डीसी करंट उसमें कितनी है, आई टू है उसमें भी, उसमें आई टू है, देखो डीसी में कितनी करंट है, आई टू, मैग्नेटिक फील्ड कितना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, भी लेंथ इसकी भी 10 सेंटीमीटर है और एंगल 90 डिग्री है, तो 2 एम्पियर है, ये 0.2 है और ये 10 सेंटीमीटर है, n की पावर माइनस के 2 साइन 90 की वैल्यू, ये हो गया आपका 2, ये फिर हो जाएगा 4 और 10 की पावर माइनस के 2, तो 0.04 न्यूटन। इसकी भी दर्शन निकाले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो पहले मैग्नेटिक की दर्शन सेट कर ली, फिर करंट की दर्शन सेट कर ली, इस पर भी फोर्स ऐसे लग रहा है एफ और डी सी, लेकिन ये डाउनवर्ड है, लेकिन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर नहीं है, डाउनवर्ड और इस फ्रेम के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही आप इस पर निकाल लेना ए डी वाले वायर पर, करंट की डायरेक्शन ये रही और मैग्नेटिक की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसमें भी 90 डिग्री एंगल होगा, इसमें कितना होगा, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक की डायरेक्शन ऐसे है तो 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल देना, मैग्नेटिक की डायरेक्शन इसमें बाहर, इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन ऊपर सेट करी ऐसे, तो फोर्स लग रहा है राइट में, फोर्स राइट में लग रहा है, राइट हैंड साइड में, लेकिन इस फ्रेम के प्लेन में लग रहा है, इस फ्रेम का जो प्लेन होगा उसी प्लेन में लाई कर रहा है ये फोर्स, और किस पर लग रहा है, ये ए डी पे लग रहा है। ऐसे इस पर निकालोगे तो मैग्नेटिक डायरेक्शन ये, करंट डायरेक्शन ये, इस पर भी फोर्स ऐसे लग रहा है राइट में, एफ बी सी सबका मैग्नीट्यूड ये रहेगा, समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा ये अबे हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। अ हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग हैविंग मास 3 केजी, तो आपका हॉरिजॉन्टल वायर है ये ध्यान रखें, एक उसकी लंबाई इतनी है, तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन क्या है, वैल्यू लंबाई रखे वायर की 0.1 मीटर लॉन्ग, और उस वायर का मास दे रखा है मास ऑफ वायर, मास ऑफ वायर एम बराबर 3 ग्राम, चेंज करना पड़ेगा 3 × 10⁻³ किलोग्राम, करंट दे रखी है वायर में कितनी फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, फिर कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, which must act 30 degree to the length of wire, तो यहाँ angle between given है हमें length and magnetic field, vector quantity होती है जिसे हम theta बोलते हैं, कितना दे रखा है 30 degree, आप इसी angle को बोल सकते हो कि angle between wire, देखो length की direction वही मानते हैं जो current की direction होती है, current and magnetic field कितना 30 डिग्री, और अगर सपोर्ट, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाना है कि वो किसको सपोर्ट करे, इसके वेट को सपोर्ट कर ले, बैलेंस कर ले, सर कौन सपोर्ट कर ले, मैग्नेटिक फील्ड कैसे करेगी वेट को सर बैलेंस, जानते हो जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग लगता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, और वो फोर्स इसके वेट को सपोर्ट करे, ठीक है। अब इसमें है कुछ नहीं, वैसे तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स किसको सपोर्ट कर रहा है, वेट को, वेट ऑफ वायर, ये क्वेश्चन की डिमांड है हमारी, क्वेश्चन की डिमांड, तो करंट फोर्स ना लगता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा बराबर वेट को बैलेंस कर रहा है,
तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी बराबर एम जी ओवर आई एल साइन थीटा। बस बच्चे ये सोचते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएं इसका जिससे ये वेट को बैलेंस कर ले। तो डायग्राम अगर बनाना है तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, मतलब वो सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो छोटा सा है कंसेप्ट है। तो देखो इसका ये मान लो ये वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल वायर है, ये हॉरिजॉन्टल वायर, क्या ये हॉरिजॉन्टल वायर नहीं है? ये भी हॉरिजॉन्टल वायर है। अरे ऊपर से देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये सारे वायर, ये भी हॉरिजॉन्टल वायर है, ये भी हॉरिजॉन्टल वायर है, ये सब हॉरिजॉन्टल वायर है, ऐसे ऐसे कोई सा भी मान लो यार, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, अरे वर्टिकल वायर ऐसे होगा भाई, हॉरिजॉन्टल ही तो है ये वाला वायर, ये वायर कैसा है हॉरिजॉन्टल, अभी भी हॉरिजॉन्टल है, अभी भी हॉरिजॉन्टल है, अभी भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वायर का जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल है, और उसे मैग्नेटिक, इसका वेट कितना होगा वायर का भाई, नीचे की तरफ एम जी, ऐसे यहाँ पे एम जी नीचे, तो फोर्स लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ऊपर। तो आपको एक बात तो मालूम ही होगी कि एम बराबर आई वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एल क्रॉस बी ऐसे, और आपको ये भी मालूम होगा कि एफ वेक्टर ऑलवेज लेंथ के परपेंडिकुलर और एफ वेक्टर ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो ऑलवेज होता है चाहे एल और बी के बीच में कितना भी एंगल हो, अगर फोर्स लगेगा तो वो लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, ठीक है। अच्छा तो अब इसमें हमें वायर को कैसे सेट करना पड़ेगा, तो जानते हो वायर को हमें ऐसे रखना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा तिरछा, ऐसे तिरछा, और मैग्नेटिक फील्ड को रखना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को तो हॉरिजॉन्टल रखो ऐसे बिल्कुल सीधा, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक ही प्लेन में रखो दोनों को ऐसे ऐसे रख लो। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको डिफरेंट कर लेते हैं, क्या करें, ये ले लें नीला कैप, बारह पेन, इसमें नीला कैप लगा हुआ है, ये क्या चीज है, वायर, करंट कैरिंग वायर ऐसे, और इसके बीच में करंट कैरिंग वायर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो देखो ये 30 डिग्री हो गया, देख क्या, ये देखो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये क्या है आपका करंट कैरिंग वायर, थोड़ा सा जैसे तिरछा रख के इसको सीधा, इसको बिल्कुल इस बोर्ड के लेवल में ऐसे सीधा, इसको थोड़ा सा तिरछा ऐसे आपकी तरह ऐसे, इससे ऐसे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे, दोनों ही ऑर्डिनेंटल है प्रेजेंट में, ऐसे आ गया भाई ऐसे, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग वायर। अब एल क्रॉस बी की दर्शन निकालो, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन और एफ की दर्शन कैसे होगी, सेम, तो एल क्रॉस बी की दर्शन निकालो, तो देखो करंट की दर्शन में एल छोटे एंगल से घुमा दो, बी एल से बी, देखो एल से बी ऐसे, एल से बी, ये बी है और ये एल है, एल से बी, तो ऊपर लग रहा है फोर्स वायर पर और वेट नीचे है एम जी, तो इसको बैलेंस कर देगा ऐसे, खत्म। एम की वैल्यू पुट कर देना फिर इसमें, एम की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 × 10⁻³, जी की वैल्यू 10 लग देता हूँ, 9.8 रख सकते हो, मैं 10 रख देता हूँ, 10 रखने से शायद इधर उधर हो जाए आंसर थोड़ा सा, 9.8 रख देना। आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 0.1 मीटर, और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो देखो 1/2, इस पॉइंट से आप चाहो तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, 5 से ये काट सकते हो 20 बार, और 2 ऊपर ले जाओगे ये कितना हो गया, इसमें कर लो 6 हो गया, 6 × 20 × 10⁻³, 120 हो गया 10⁻³, तो 0.12 लिख सकते हैं टेस्ला, इतना मैग्नेटिक लगाना पड़ेगा जिससे वो उसके वेट को क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। अब 9.8 रखोगे ना तब एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है, नहीं ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट सीडी, किस पर फोर्स पूछ रहा है, सेगमेंट सीडी में पूछ रहा है, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ सेगमेंट सीडी एल मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लो एक तो माइनस के मीटर, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.3 टेस्ला, डायरेक्शन ये दे रखे, डायग्राम गिवन है ये 0.3 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखा है,
एंड अ करंट 4 एम्पियर, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी है, ऐसे करंट 4 एम्पियर टू कर रहा, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर फ्लो थ्रू इट एस साउंड फिगर फिगर गिवन। तो कहता इसमें फोर्स पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है यार। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ऑन द सेगमेंट, ऑन द सेगमेंट सी डी, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। बस इसमें किसका कंसेप्ट है, थीटा का, थीटा का नेम पे ध्यान दो, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, टेल टेल के बीच में एंगल लेना है, एल वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल, टेल टेल के बीच में, टेल एंड टेल टू टेल, टेल समझते हो ना, ये वेक्टर है, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। एल की दर्शन क्या होती है, जो दर्शन आई की है वही एल की दर्शन है। तो देखो सेगमेंट सी डी यहां डलाइए, कंप्लीट नहीं किया, हाँ यही है, इसी सी डी सेगमेंट पर फोर्स पूछ रहा है। तो करंट की दर्शन ये है, तो यही दर्शन एल की होगी, एल वेक्टर की, और बी वेक्टर की दर्शन ये रही, तो टेल टेल एंगल ये हो गया, ये वाला, ये वाला, ये एंगल चाहिए, एल वेक्टर की दर्शन ये, क्योंकि तो जो दर्शन करंट की वही दर्शन एल की, तो इसीलिए आप इस एंगल को ऐसे भी कह सकते हो कि आप एंगल बिटवीन एल की जगह पर आई कह सकते हो एंड बी वेक्टर, आई और बी के बीच में एंगल, तो आई की दर्शन ये है तो एल की दर्शन भी यही होगी, और बी वेक्टर की दर्शन ये रही, तो इनके बीच में ये वाला एंगल चाहिए। सर ये तो गिवन ही नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो बेटा ज्योमेट्री से निकाल लो, ये कितना होगा, देखो ये 120 डिग्री, तो ये वाला कितना, 60 डिग्री भाई, पूरा एंगल 180 डिग्री है ना, 180 में से 120 गया तो 60, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, देखो ये जेड बन गया, दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये 60 डिग्री हो गया खत्म। तो ये एंगल कितना आया, 60 डिग्री आया, वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, मैग्नीट्यूड कितना है सर, 0.3 टेस्ला, लंबाई कितनी है, 30 × 10⁻², और साइन सर 60 डिग्री आ गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, अच्छा 2 से ये 2 बार कट गया, तो 2 का इसमें करेंगे तो 0.6 हो गया ये, और इनटू 30 और ये √3 और 10⁻², अब इसको सॉल्व कर लेना यार न्यूटन में, ठीक है, क्लियर है, √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेना, न्यूटन में आंसर आ जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ही पूछा, डायरेक्शन पूछे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, फिगर शो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगुलर लूप सी डी ई, करंट आई रखी है, लेंथ स्मॉल एल रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू डी ई, तो डी ई के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं कि ये वहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पर, सब जगह पर है, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लें सेंटर में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, डी के पैरेलल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 3 वायर्स सी डी डी एंड ई सी सेपरेटली, अगर पूरे लूप पर नेट पूछता नेट फोर्स, याद करो अगर कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड हो, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0 ऑलवेज, तो पूरे पे तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन पूरे पे पूछा ही नहीं है उसने, तो सेपरेटली वायर्स पर पूछा है, सी डी पे निकालो, डी पे निकालो, ई सी पे निकालो, सेपरेटली निकालो, अलग अलग निकालो। तो चलो पहले हम निकालते हैं किस पर, सी डी पर, फॉर वायर सी डी, तो केवल सी डी पर ध्यान दें, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर सी डी, सी डी ना सॉरी ये है सी डी, तो ये वाला सी डी, तो एफ बराबर एफ सी डी कह देते हैं इसे, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं ना, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा,
यहाँ थीटा का नेम में कंसेप्ट होता है, थीटा का नेम क्या होता है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो आई की डायरेक्शन है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल बिटवीन आई एंड बी, लेकिन टेल टू टेल लेना है, टेल टू टेल एंगल लेना है, ठीक है। चलो तो लिखते हैं करंट कितनी है इस वायर में, सीडी में आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेंथ एल है, एंगल देख लेते हैं आई की दर्शन और बी की दर्शन के बीच में एंगल, आई की डायरेक्शन और बी की दर्शन के बीच में एंगल टेल टू टेल। तो देखो बी वेक्टर का टेल ये हो गया, ये बी वेक्टर ये टेल हो गया, और ये आई वेक्टर की डायरेक्शन, ये आई वेक्टर ये टेल हो गया, तो ये एंगल चाहिए हमें ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा सर, तो ये देखो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और देखो ये अगर 60 डिग्री है ये वाला, तो ये वाला भी कितना होगा, देखो ये 60 डिग्री तो ये वाला देख लो आप, ये वाला कितना होगा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, देखो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, चेक करो, तो ये 60 डिग्री, लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए ही नहीं, हमें बी वेक्टर का टेल ये रहा, ऐसे चला गया बी वेक्टर की डायरेक्शन, ये आई वेक्टर की डायरेक्शन ये गई, तो आई और बी की दर्शन के बीच में टेल टू टेल एंगल चाहिए, दोनों का टेल ये, तो ये चाहिए, तो ये पूरा 180 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया, तो आई बी एल साइन 120 की वैल्यू निकाल लो, साइन 120 जो होता है उसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, तो कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू तो मालूम होगी, कॉस 30 की होती है √3/2, तो इसलिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है √3/2 प्लस, तो आप ले सकते हो √3/2 आई बी एल, इतना खुश लग रहा है। डायरेक्शन निकालने है, तो डायरेक्शन निकालेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट से, F वेक्टर बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो, तो अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए और एल से बी की तरफ छोटे एंगल से अपने फिंगर को कर्ल कर दीजिए, एल से बी, तो देखो एल की दर्शन क्या होगी, जो आई की दर्शन होगी वही एल की दर्शन होगी, तो एल की दर्शन ये होगी, तो छोटे एंगल से आई एल से बी की तरफ, एल की दर्शन कौन सी होगी, जो आई की दर्शन है, आई की दर्शन ये, तो एल की दर्शन ये, तो एल क्रॉस बी, बी की दर्शन ये रही, तो छोटे एंगल से घुमाओ, देखो ऐसे, अगर हम देखो ऐसे घुमाते हैं, अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो छोटा एंगल है, और ऐसे घुमाते हैं तो बड़ा एंगल, अगर हम ऐसे रख के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रख लें और ऐसे घुमाएं तो बड़ा एंगल से घूम रहा है, जो गलत है, छोटे एंगल से घुमाना है ऐसे, तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो हम लिख दें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड, किधर आया था, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड, थंब की डायरेक्शन एल क्रॉस बी की डायरेक्शन, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन वही एफ की डायरेक्शन, तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इसीलिए हम डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये डायरेक्शन वही एफ सी डी। ऐसे ही आप किस पर फोर्स निकाल लीजिए, सेकंड, कौन से वाले वायर पर, इस वाले वायर पर निकाल लेते हैं, सीई वाले वायर पर, वैसे डी वाले वायर पर पूछ रहा है, तो डी वाले वायर पर तो फोर्स जीरो होगा, डी पे पूछ रहा है, फिर ईसी पे पूछ रहा है, ठीक है, डायग्राम डाल दे, कुछ में डाल देता हूं, सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर डी ई, एफ डी ई, करंट कितना है, आई है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेंथ है, तो देखो आई की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन
पैरेलल है, सेम है, और सेम है तो एंगल कितना 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसीलिए इस वाले पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, अगला चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड पार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ई सी। इस पर फोर्स देखें तो एफ ई सी, करंट तो आई है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, लंबाई भी एल है। ठीक है, अब एंगल देखना है हमें आई और बी की डायरेक्शन के बीच में एंगल। तो देखो बी की डायरेक्शन का टेल ये हो गया, हेड ये है तो टेल ये मान लो, आई की डायरेक्शन ये है ऐसे, तो हेड ये है तो टेल ये हो गया, तो ये एंगल चाहिए। फिर सिमिलरली ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री ये 60 तो ये 60 ऑल्टरनेट एंगल, और पूरा 180 डिग्री तो इसीलिए ये 120 आएगा, तो साइन 120 हो गया। आई और बी की दशन के बीच में एंगल लिखना होता है, समझ में आया, तो 120, तो फिर वही √3/2 आई बी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालिए, तो ये हो गया ऐसे। अब क्या हाथ एल पे ऐसे रखना पड़ेगा, देखो अगर आप ऐसे रखते हो एल पे हाथ तो ये बड़े एंगल से घूम रहा है, हमें एल एल से बी की तरफ घुमाना है, तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो बड़ा एंगल हो गया जो कि रॉन्ग है, हमें ऐसे घुमाना चाहिए छोटे एंगल से। अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ, कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में छोटे एंगल से, तो देखो ऐसे रखें और छोटे एंगल से घुमा रहे, अंदर आ रहा है तो इनवर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है इनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एज ले दो अकॉर्डिंग टू राइट अप हैंड अप थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, ये इनवर्ड आ रहा है अंदर की तरफ, तो आ रहा था थंब, अरे थंब शो करेगा एफ की डायरेक्शन को, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा, जो डायरेक्शन एल क्रॉस बी की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन, तो ये इनवर्ड दिखा दिया, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, थ्री लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स आर केप्ट साउंड फिगर, तो ये आपको फिगर में ये तीन वायर दे रखे हैं पैरेलल है, द वायर थ्री कैरीज अ करंट आई, इसमें करंट फ्लो कर रही है लेकिन इस करंट की डायरेक्शन नहीं गिरे, करंट कैसे फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये गिरे नहीं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, ठीक है करंट नहीं है फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आई, इस करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है इन वायर थ्री इज सच दैट द नेट फोर्स ऑन वायर वन, तो वन वायर पर फोर्स नेट फोर्स ड्यू टू द अदर टू वायर, अदर टू वायर मतलब टू और थ्री इज जीरो। तो देखो ये क्वेश्चन की डिमांड है पहले वाले पार्ट की कि नेट फोर्स ऑन वायर वन, जो वायर वन है ना ड्यू टू अदर टू फोर्सेस, अदर टू वायर, अदर टू वायर्स कितना हो जीरो हो, इस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो इन द्वारा द्वारा इस इसके और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स से। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन वायर वन, चलो देखो ये वाला वायर इस पर फोर्स लगाएगा, तो आपको ये तो याद है कि अगर वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी हो सेम, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं पैरेलल वायर, और डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस फोर्स की वैल्यू याद है ये परपेंडिकुलर टू सर्कुलेशन आर, तो ए बराबर लिखते हैं आई बी एल साइन, सॉरी ए बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू ओवर आर इंटू एल, एल लेंथ पर, एल लेंथ पर निकाल लेते हैं, इतना फोर्स लगता है बिटवीन टू पैरेलल वायर्स के बीच में करंट कैरिंग वायर के बीच में, करंट की डायरेक्शन सेम तो अट्रैक्टिव नेचर का, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट तो फिर रिपल्सिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
बस इतना मालूम होना चाहिए, एक तो ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट, और डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपेल। ठीक है, ये बात मालूम है। ठीक है, चलो ध्यान दें। देखो किस पर नेट फोर्स निकालना है, वन वायर पर निकालना है, तो ये टू वाला वायर इस वन वाले पर फोर्स लगाएगा, तो दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस ऐसे फोर्स लगेगा। ये किस पर फोर्स लगाया है, वन वाले वायर पर, क्योंकि वन वाले वायर भी फोर्स पूछ रहा है, तो हम क्या निकाल रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू, तो F12 मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू, तो वन पहले इसलिए वन लिख लेंगे और टू बाद में इसलिए टू लिख लेंगे। तो इस वाले वायर ने इस पर जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगी ना, डायरेक्शन दिखा दी मैंने F12। इसकी वैल्यू लिख देते हैं, मान लो इसकी एल लेंथ पर फोर्स निकाल लें, इसकी एल लेंथ पर फोर्स निकाल लें, तो कितना म्यू नॉट ओवर 4π2, इसमें कितनी करंट है I1, इसमें कितनी करंट है I2, और इनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन देखें तो कितनी है ए, I1 I2 के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन आर, दोनों वायर के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन ए, सॉरी ए है, और एल लेंथ में निकाल लें इसीलिए एल, और ये कैसे नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा है। ठीक है, यहां लिखना चाहो तो अट्रैक्टिव लिख सकते हो, डायग्राम में दिखाई दिया। क्या ये नेट फोर्स है वायर वन पर, नहीं, अभी तो किसने लगाया है, केवल दूसरे वायर ने पहले वाले वायर पर लगाया, एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर थ्री। अब ये तीसरा वाला वायर भी इस वन वाले वायर पर फोर्स लगाएगा, ये भी करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल है, वन वाला लगा, वन पे लग रहा है, तीसरा लगा रहा है, तो वन थ्री हो गया, फिर फॉर्म में लिखते हैं मेजर पॉइंट 4π2, वन और थ्री के बीच में देख रहे हैं, वन और थ्री, इसमें कितनी करंट है I1, इसमें कितनी करंट है I, और इन दोनों पैरेलल वायर के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है 2a। अब इसकी डायरेक्शन देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं मालूम, तो करंट की डायरेक्शन तो नहीं मालूम, लेकिन वो चाहता क्या है कि वायर वन पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दो ही फोर्स लगा रहे हैं, एक तो इसने लगाया F12 और ये वाला वायर भी इस पर फोर्स लगा रहा है F13। ये दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए इस पर फोर्स ऐसे लगाना चाहिए F13। तो ये फोर्स, ये वाला वायर इस पर फोर्स ऐसे कैसे लगाएगा, तो रिपेल करेगा, और रिपेल होने के लिए डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, इस वाले वायर की और इस वाले वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए ऐसे। अगर इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, तभी तो ये वाला वायर इसको क्या करेगा, रिपेल। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा था, और इसकी इससे डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो ये वाला वायर इसको रिपेल करेगा। तो अब इन दोनों फोर्सों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, लेकिन ये तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए तो मैग्नीट्यूड भी तो कैसे होनी चाहिए, सेम, बट ये कंडीशन अगर कंप्लीट करनी है तो यहां एफ वन मैग्नीट्यूड ऑफ, या लिख सकते हो ऐसे, लिख दो फोर्स F12 एंड F13 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन एफ नेट फोर्स ऑन वायर वन इज जीरो। तो वन वाले वायर पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो इस वायर वन पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। यही तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि नेट फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू अदर टू वायर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एक इसमें ये एल और रह गया, यहाँ एल लेंथ पर फोर्स लगा,
तो एयर होता है फॉर्मूले में, और ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स हो गया, और रिपल्सिव फोर्स नेचर का फोर्स करने के लिए इसकी दर्शन हमने किधर रखी है, नीचे की तरफ, दर्शन अपोजिट होगी तो तभी तो रिपेल करेगा इस वाले वायर को, दर्शन सेम है तो अटैक कर रहा है, ठीक है। अब ये इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इन्हें इक्वल कर दो, तो कहां करें यार, यहां कर देता हूं, थोड़ा सा वायर छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ ए और ए वाली ये वाली, यहां लिख दे कि F12 और F13 इक्वल, देख ले कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काफी जगह है, ठीक है। F12 की वैल्यू पुट करो कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1 I2 ओवर ए लेंथ है, और F13 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट ओवर 4π 2I1 I ओवर 2A और L। तो देखो इससे तो ये कट ही गया, A से A भी कट गया, L से L भी कट गया, I1 से I1 कट गया, तो इधर कितना बचेगा, 2I2 बचेगा एक, तो 2I2 बराबर इधर कितना बचेगा I, तो I की और I2 में रिलेशन समझ में आया, I इज इक्वल टू 2I2 होगा, और I की दर्शन कितना है, डाउनवर्ड या ऊपर, डाउनवर्ड है वायर में तो नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड है ना, डाउन। एक क्वेश्चन हो गया ये। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकंड वाले में कह रहा है कि बाय रिवर्सिंग, है ना, यहीं से तो करना है, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, करंट की दर्शन जो इसमें दे रखी है उसको अगर तुम रिवर्स कर दो, है ना, द नेट फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू द अदर टू वायर बिकम जीरो, है ना, तो करंट की सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसमें करंट की दर्शन रिवर्स कर दो, तो हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, यहां सेकंड पार्ट करना शुरू कर दिया, तो हमने इसमें करंट की दर्शन कितना निकाली है, नीचे की तरफ, तो इस करंट की दर्शन को क्या कर दीजिए आप, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, तो इसकी दर्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, देखो अब दूसरा डायग्राम कहां से बनाऊं, जगह ही नहीं, ये इसी बना लेते हैं, सेकंड पार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। द नेट फोर्स ऑन वायर टू, तो नेट फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू द अदर टू वायर्स बिकम जीरो, तो अब ये दे रखा है, अब किस पे नेट फोर्स निकालना है, वायर टू पे निकालना है, इसे उठा देते हैं, चलो थोड़े ही उठा देते हैं, फिर दोबारा से लिख लेंगे यार, ठीक है। अब इस वाले वायर पर फोर्स निकालना है, टू वाले वायर, तो देखो वन वाला वायर टू वाले वाले पर फोर्स लगाएगा, डजन कैसी है, सेम, तो ये वाला वायर इस वाले वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला वायर इस वाले वायर पर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट करेगा एफ टू पर फोर्स, तो लिख दें नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वायर वन F21। अब देखो 2 पहले है तो F21, फिर इसकी L लेंथ पर फोर्स निकालना है वायर 2 की पर, 2 और 1 वायर के में फ्लो करने वाले करंट I1 I2 और इनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन A, L लेंथ पर निकालना है, और I1 वाला वायर I2 को अट्रैक्ट क्यों करेगा, समझ में डजन कैसे दोनों की सेम, तो अट्रैक्टिव नेचर। एंड अब कौन सा फोर्स वायर पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स किस पर निकालना है, टू वाले वायर पर निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वायर थ्री, तो देखो अब इसमें भी करंट की दर्शन कैसी है, सेम, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, तो ये वाला वायर इस वाले वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करंट की दर्शन सेम होती तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, ये वाला वायर इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे तो करेगा अट्रैक्ट, तो ये अब इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे F23, तो F23 लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2I2 और I, इसमें करंट I2 है इसमें I है, ओवर सेपरेशन इन दोनों की, तो सेपरेशन कितनी है, A है भाई, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन, और एल लेंथ में निकाल लें, ये भी कैसा नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर। अब देखो ये वाले फोर्स भी तो मैग्नीट्यूड में कैसे हैं,
इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए, तभी तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। ये एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट दिखाई दे रही है, मैग्नीट्यूड और इक्वल होनी चाहिए। तो लिखेंगे नाउ इफ द फोर्स एफ टू थ्री टू वन एंड एफ टू थ्री आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन, देन नेट फोर्स ऑन वायर टू इज जीरो। अगर ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो नेट फोर्स टू वाले वेरिएबल पर कितना होगा, जीरो, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसे सरफेस को पूरा कर दें, तो पूरा कर रहे हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अब किधर आ रही है, आई की ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। चलिए पहले मैं इतना क्वेश्चन बिटाल देता हूं टू जीरो तक, यहां ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है भाई, ठीक है। इससे आगे जो पूछा है वो हमें रहने दे, पहले इसको कंप्लीट करें। एफ टू वन और एफ टू थ्री का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम कर लिए, तो वैल्यू पुट कर ली, म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू आई वन आई टू ओवर ए इंटू एल, म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू आई ओवर ए इंटू एल। देखो इससे ये कट गया, ए से ए कट गया, एल से एल कट गया और आई टू से आई टू कट गया, तो आई इज इक्वल टू और टू से टू भी कट गया, तो आई इज इक्वल टू कितना आया आपका, आई वन आया। और इस वाले केस में करंट की इंटरसन कितना आ रही है, अपवर्ड आ रही है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी आ रही है, अपवर्ड आ रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट आई इन द टू केसेस, तो दोनों केसेस में मैंने करंट की इंटरसन बताई, ठीक है, समझ में आया। और फिर क्या पूछ रहा, आल्सो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई वन आई टू एंड आई, और रिलेशन भी निकाला, आई और आई में रिलेशन बराबर का है, उसमें भी रिलेशन निकाला था, समझ में आया आपको, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।